कुंभ राशि, सावधान, दिल टूटकर चकनाचूर होगा, मजाक समझने की गलती मत करना। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों आने वाले दिनों में आपके प्यार के साथ क्या हो सकता है, पूरी बातें विस्तार से वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताने वाले हैं, साथ ही आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है, आपका धनराशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल, करियर राशिफल और आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, सभी बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई परेशानी आपको बार बार सता रही है, या फिर शादी के रिगार्डिंग कोई बातचीत आपको करनी है, या फिर शादी कब, कहाँ और किससे होने वाली है, इसके बारे में कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। हमारी तरफ से अच्छी सर्विस आपको मिल जाएगी। साथ ही इस चैनल यानी कि ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोस आपको हर रोज मिलती रहे। तो चलिए बिना गवाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें कैसे रहेगी उसके बारे में। दोस्तों स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बहुत ही अच्छे रह सकते हैं। आपकी खुश मिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। जल्दबाजी में फैसला ना ले, खासतौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोलभाव करते वक्त। आपको खुश रखने के लिए आपके बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। किसी के साथ छेड़खानी करने से बचेगा। आप चाहे तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनारा कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। ज्यादा खर्चे की वजह से जीवन साथी से खटपट हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर ज्यादा खर्च हो भी रहा हो तो उनको समझाएगा। छुट्टी के दिन भी दफ्तर का काम करने से बुरा और क्या हो सकता है, परंतु परेशान ना हो, क्योंकि काम करके आप अपने अनुभव को और भी बढ़ा सकते हैं। घरेलू जरूरतों की पूर्ति हो सकती है। घरगुती जो भी प्रॉब्लम परेशानियां आपको पिछले कुछ दिनों से सता रही थी वह भी खत्म हो सकते हैं। आप अपने सभी कार्य समय पर पूरे कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में सुखद सरप्राइज मिलने के योग भी बन रहे हैं। दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने से आपको खुशी मिलेगी। धन से जुड़ी हुई चिंता दूर होगी। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। कार्यक्षमता के बल पर आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिल सकते हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। तनाव से बचने के लिए अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारिएगा, क्योंकि बच्चों के साथ अपना समय बिताने से आपके जो भी मन में या फिर जो दिमाग पर तनाव था वह खत्म होगा, क्योंकि बच्चों के साथ जो मौज मस्ती होती है वह सबसे अलग होती है। आप बच्चों की उपचार करने की शक्ति महसूस करेंगे। वे आध्यात्मिक तौर पर धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर और भावनात्मक लोग हैं। उनके साथ आप खुद को ऊर्जा से लबरेज पाएंगे। आप उन योजनाओं में निवेश करने से पहले दो बार सोचें जो आपके सामने आई है, या तो उस योजना में निवेश करने से पहले अपने अच्छे करियर सलाहकार की सलाह भी ले सकते हैं। बच्चे उम्मीदों पर खरे ना उतर कर आपको निराश कर सकते हैं। सपनों को साकार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है। प्रेम संबंध में गुलाम की तरह व्यवहार ना करेगा। अगर आप सोचते हैं कि यार दोस्तों के साथ आवश्यकता से अधिक वक्त बिताना आपके लिए सही है तो आप गलत हैं। ऐसा करने से आपको आने वाले वक्त में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और कुछ नहीं। पड़ोसियों का दखल शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत पैदा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप व आपके जीवन साथी के बीच का बंधन बहुत मजबूत है और इसे तोड़ना आसान नहीं है। समय को व्यर्थ गंवाने की बजाय किसी विदेश भाषा को सीखना आपके लिए वार्तालाप के तरीकों में वृद्धि कर सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका दिल टूटकर चकनाचूर क्यों हो सकता है उसके बारे में। दोस्तों ये जो समय चल रहा है इसमें आपके और आपके लवर यानी कि जीवन साथी के बीच तनाव का माहौल सा जो कि चल रहा है, लेकिन दोस्तों हर बात इस बात का ध्यान रखेगा, जो भी तनाव चल रहा है, जो भी परेशानियां चल रही हैं, वो किस वजह से चल रही है इसको थोड़ा समझेगा। अगर कोई गलतफहमी या फिर कोई शक की वजह से यह
जो कि तनाव का माहौल बन रहा है, तो सबसे पहले जो शक हो या फिर जो भी आपके बीच माहौल चल रहा है उसको सुलझाएगा। अगर कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा दिन शांत रहेगा, उसके बाद कहीं शांत जगह पर जाकर हर एक बात को सुलझाएगा। उसके बाद देखिए आपके बीच का जो भी तनाव, जो भी दरारें आई थी वो पूरी तरह से जो कि खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपका धन राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप अपनी कमाई को अपने दोस्तों और परिवार के मनोरंजन पर खर्च करेंगे। आप बहुत दिनों से काम से फुर्सत निकालकर कहीं मौज मस्ती करना चाह रहे थे। अपने ग्रुप के साथ जाइए, उन पर कुछ पैसा खर्च कीजिए। खर्च हो रहे पैसों की फिक्र मत कीजिए, बस जाइए और दोस्तों के साथ आनंद लीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। लंबे समय से चली आ रही आपकी कोई इच्छा अब पूरी हो सकती है। विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। अपने परिणाम से उन्हें खुशी व आश्चर्य दोनों ही होंगे। जो लोग व्यवसाय में हैं वो पाएंगे कि उनके लंबे समय के कुछ लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। इसके लिए आपको खुद को शाबाशी भी देनी चाहिए, क्योंकि इसे पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप अपने पार्टनर के साथ बाहर जाने की सोचिए। अगर विवाहित हैं तो घर में रहकर भी आनंद कर सकते हैं। अपने पार्टनर के प्रति रोमांस इजहार करने का उत्तम दिन है। विवाहित जोड़ी पहले ही तरह डेटिंग पर जाने की सोचेगा। दोस्तों आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपको अपने परिवार के साथ व्यायाम करने के नए रास्ते खोजने होंगे। आप सभी को बाहर जाकर व्यायाम करने की जरूरत है और इसमें आपको मजा भी आएगा। एक साथ व्यायाम करने में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे आप लंबे समय तक कर सकते हैं। इस काम के लिए सब आपकी सराहना भी करेंगे। व्यायाम, योगा और ध्यान इसको कंटिन्यू रखिएगा। व्यायाम से आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है, योगा करने से पूरा दिन आपका फ्रेश रहेगा और साथ ही ध्यान करने से आपके दिमाग पर ज्यादा तनाव या फिर प्रेशर नहीं आएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशिफल रहने वाला है। दोस्तों वीडियो अगर सच में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। दोस्तों इस चैनल पर इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोस आपको हर रोज देखने को मिलेगी, जिससे कि आने वाले दिनों के बारे में आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।